सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद देखिएगा अपने कल की क्लास के अंदर चर्चा हो चुकी थी जनसंख्या की और जनसंख्या के बारे में अपन लोग जान चुके थे कि भारत की आबादी कितनी है और उसके बाद अपन ने देखा था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि जो दर है आ, वो कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर के बाद अपन ने ये देखा कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं आज उससे आगे की चर्चा अपन लोग करने वाले हैं एक बार में मुझे बता दीजिएगा कि सर्वाधिक जो वृद्धि दर है ये कहां देखने को मिली थी तो आपका उत्तर बनेगा सर सबसे ज्यादा वृद्धि दर है अपन ने देखी थी मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय में रही और बात करते हैं सबसे कम वृद्धि दर की तो सबसे कम जो वृद्धि दर है ये नागालैंड में देखने को मिली थी मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि दर थी नागालैंड में सबसे कम थी अगर दशकों की बात करते हैं अपन तो दशकों में अपन ने देखा कि 1911 से लेकर 21 तक का जो दशक था वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर है आइए कम रही जबकि बात करते हैं अपन 1961 से लेकर उन्नीस में ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं 1961 से लेकर उन्नीस में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये अपने को क्या देखने को मिली तो आपका उत्तर बनेगा 1961 से लेकर इकहत्तर में अपने को जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक देखने को मिली अब सुनिएगा प्रणाम भाई सभी का प्रणाम है अनिस खान दिनेश वगैरह कैलाश वगैरह जो भी है गुड इवनिंग सभी को नमस्कार और ढेर सारा प्यार देखिएगा जी भारत माता की जय सुनिएगा अपन आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं आ, एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं आपके क्या कमेंट आ रहे हैं भाई हाँ सभी साथी हैं वो क्या जुड़ चुके हैं तो आप बिल्कुल सभी साथी अपने साथ जुड़ चुके हैं देखिएगा अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब सर्वाधिक वर्दी दर देखिए अपन ने सबसे वर्दी दर की अपन ने बात कही अपन ने ये देखा कि विस्फोटक काल कौन सा रहा इसके बाद में राज्यों के बाद में अपन देखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो वर्दी दर है अब वो कहां देखने को मिले अब अपन बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में सीधा सा प्रश्न है आपका उत्तर क्या बनेगा केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से प्रदेशों की बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है ये कहा देखने को मिली आपका उत्तर क्या बन जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है ये दादरा नागर हवेली में देखने को मिली दादरा नागर हवेली के बाद में आप कह सकते हैं कि आपका दमन द्वीप में देखने को मिली और दमन द्वीप के बाद में पांडिचेरी में दमन द्वीप के बाद में पांडिचेरी के अंदर ये सर्वाधिक वर् दर वाले केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं जबकि अपन बात करते हैं सबसे कम वर्दी दर की भैया सबसे कम वर्दी दर आइए कहां देखने को मिली सबसे कम वर्धि दर आइए कहां देखने को मिली है आपका उत्तर बनेगा सबसे जो कम वर्दी दर है आइए लक्षद्वीप में देखने को मिली है लक्षद्वीप के बाद में बात आती है अंडमान निकोबार में देखने को मिली है और अंडमान निकोबार के बाद बात आती है तो आपका चंडीगढ़ में देखने को मिली है और चंडीगढ़ के बाद तो एक ही वस्ता है दिल्ली क्योंकि उस टाइम जो है ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों की बात आ रही है कि 2011 में 2011 में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहां देखने को मिली ये आपका दादरा नगर हवेली में और सबसे कम जो वृद्धि दर है ये कहां देखने को मिलती है तो आपका उत्तर आ जाएगा लक्ष्य द्वीप में हीरा लाल कर सर जी लटक पटक उछल कूद कर प्रणाम है स्वीकार करो बिल्कुल आपका प्रणाम है ये स्वीकार है लाखू सर से बहुत बढ़िया कैलाश करे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बहुत बढ़िया बात है धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत हा योगेंद्र वगैरह सभी साथी अपने साथ अब बिल्कुल जुड़ चुके हैं क्लास टकाटक चली रही है कोई दिक्कत है नहीं इसमें ठीक है हाँ जी अब सुनना केंद्र शासित प्रदेशों में अपन ने सर्वाधिक वर्दी दर देखा दादरा नगर हवेली द्वीप पांडिचेरी सबसे कम वर्दी इधर कहां है लक्षद्वीप में है अंडमान निकोबार में है और उसके बाद में आपका चंडीगढ़ में आ जाती है अगली बात। अगली बात पहला प्रश्न तो देखिएगा प्रश्न बनेगा जन घनत्व जन घनत्व में आपका पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है सुनिए जन घनत्व में पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि जन घनत्व निकाला कैसे जाता है तो जन घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है आ, कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी है और बटे में आप सीधा ही लिख दीजिएगा कुल क्षेत्रफल यानी कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल और ये जो कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल होता है ये जन घनत्व है तो याद कर लीजिएगा मेरी बात जन घनत्व क्या है तो आपका उत्तर बनेगा जन घनत्व है कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल आपको सीधा सा क्या याद करना है कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल कुल जनसंख्या बटे में जो कुल क्षेत्रफल है ये क्या है ये जन घनत्व का फॉर्मूला बनता है इसमें ना तो गुणा में सो आएगा और ना ही इसमें गुणा में हजार आएगा क्यों क्योंकि जन घनत्व ये क्या है ये प्रति वर्ग किलोमीटर यानी अपन कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षेत्र में रहने वाली रहने वाली जनसंख्या अपन कहें रहने वाली जनसंख्या जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का जो अनुपात है इसे आप क्या कहते हैं तो आपका उत्तर बनेगा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या का अनुपात है इसे आप जन घनत्व कहते हैं इसे आप क्या कहते हैं जन घनत्व तो याद रहेगा आपको इतना कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का जो अनुपात है उसे आप क्या कहते हैं तो आपका उत्तर बनेगा प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का जो अनुपात है उसे आप जनघनत्व कहते हैं प्रश्न यूं बनेगा कि भारत का जन घनत्व कितना आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का जन घनत्व आइए कितना है आपका उत्तर बन जाएगा साथियों कि भारत का जो जन घनत्व है ये तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का जनघनत्व कितना है तो आपका उत्तर बन जाएगा तेन सौ बयासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि भारत का जन घनत्व है कितना है तो आप याद रखेंगे भारत का जनघनत्व तेन सो बयासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है याद रहेगा इतना भारत का जनघनत्व कितना है तो आपका उत्तर आएगा तेन बयासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनघनत्व लेकिन अगला प्रश्न आपसे जन घनत्व में आइए पूछ ले कि प्रति व्यक्ति वर्ग मील अगर आपसे पूछा जाए प्रति वर्ग मिल तो आपका उत्तर आ जाएगा नौ सौ अठहत्तर ये जनघनत्व आता है अब ये तो हुई बात ज्यादा और कम की अब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर मैं यहां आपसे यूं पूछ रहा हूं कि सर्वाधिक जनघनत्व भाई यहां पर अपन बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व बात जब आती है सर्वाधिक जनघनत्व की तो कहां पर सर्वाधिक जनघनत्व आएगा और बात आती है न्यूनतम जनघनत्व की तो न्यूनतम कहाँ आएगा आपको सीधा सीधा में एक लाइन याद करवा दूं अगर आप कर लेंगे तो क्या लाइन है सर बता दीजिए कर लेंगे क्यों नहीं करेंगे कर लोगे तो अपन भी करवा देंगे अपने कहां दिक्कत है सुनिए फिर आपको क्या याद करना है ना आपको याद रखना है जन है मतलब मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा है जन इसका मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा है और भीड़ भाड़ में क्या होता है बच्चा है एक छोटा सा वो कह रहा है क्या कह रहा है परेशान हो गया परेशान हो गया तो याद कर लेना आपको बीपी के ऊपर होने से बीपी के ऊपर होने से बच्चा रोने लगा रोने लगा रोने लगा तीन बार बोलना है कितनी बार तीन बार आपको बोलना है बीपी के आपको बोलना है बीपी के ऊपर होने से बीपी के ऊपर होने से बीपी के ऊपर होने से बच्चा रोने लगा रोने लगा रोने लगा बच्चा रोने लगा रोने लगा और रोने लगा ये वाला तो साहित क्रिया है बस आपको याद करना है बीपी के भीड़ भाड़ होगी जहाँ घनत्व ज्यादा होगा तो बीपी के ऊपर होने से बच्चा रोने लगा रोने लगा रोने लगा तो रोने लगा तो क्या हुआ अम्मी आ गई कौन आ गई अम्मी आ गई और अम्मी ने आके सीने से लगा लिया लगा लिया लगा लिया याद रहेगा अम्मी आई अम्मी ने अम्मी ने अम्मी ने सीने से सीने से लगा लिया लगा लिया लगा लिया बोलो रे बोलो रे बोलो मैंने साथ साथ बोलना आपको क्या कि बीपी के ऊपर होने से बीपी के ऊपर होने से बच्चा रोने लगा रोने लगा रोने लगा और रोने लगा तो क्या हुआ अम्मी आ गई और अम्मी ने आकर सीने से लगा लिया लगा लिया लगा लिया बस बात खत्म अम्मी ने सीने से लगा लिया लगा लिया लगा लिया बहस आपको इतनी याद रखनी बीपी के ऊपर होने से बच्चा रोने लगा रोने लगा रोने लगा और अम्मी ने आकर सीने से लगा लिया अब जरा गौर कीजिएगा अब अपन बात करते हैं बी से क्या बनेगा बी से बनेगा बिहार पी से बनेगा पश्चिम बंगाल पी से पश्चिम बंगाल के से बन गया केरल और ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश कौन सा प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश ऐसे बन गया अरुणाचल प्रदेश ऐसे बना है अरुणाचल प्रदेश बात करते हैं मी से बना है मिजोरम सी से बना है सिक्किम और बात करते हैं बात करते हैं ना से बन गया नागालैंड एक मणिपुर भी मिलता है कई किताबों में लेकिन वो संशोधित नहीं है बिल्कुल संशोधित आंकड़ा नागालैंड कह रहा अब तो वैसे भी 2021 वाली आने वाली अब है कितना याद करो याद कर लेंगे कितना ये भी याद करना ही सुनिएगा तो मैंने कहा कि जहां जन घनत्व ज्यादा होता है वहां खतरा 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 और जन घनत्व पूछे तो याद करो सत्रह 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 एकम सत्रह सत्रह दुनिया चौंतीस सत्रह तिवन हम ठहरे होशियार हम करेंगे बावन हम ठहरे होशियार हम करेंगे बावन सत्रह एकम सत्रह सत्रह दुनिया चौतीस सत्रह ती इक्यावन सत्रह चौके अड़सठ सत्रह पंजे पिचासी हम ठहरे होशियार हम करेंगे भैया छियासी और इसके बाद में नागालैंड का एक सौ उन्नीस है आपको याद रख लेना है भारत में सौ से कम जनघनत्व सौ से कम जनघनत्व कितने राज्यों का है अरुणाचल का है मिजोरम का है और सिक्किम का है अरुणाचल मिजोरम सिक्किम इनका जनघनत्व सो से कम है अरुणाचल का सत्रह है मिजोरम का बावन है सिक्किम का छियासी है और बात नागालैंड की आती है तो नागालैंड का एक उन्नीस अब सुनिएगा बिहार का कितना है जी बिहार का है ग्यारह सो छह पश्चिम बंगाल का कितना है एक हजार अट्ठाईस केरल का आठ सौ साठ और उत्तर प्रदेश का आठ सौ उन्तीस है उत्तर प्रदेश का आठ सौ उन्तीस है पश्चिम बंगाल का एक हजार है और केरल का आठ सौ साठ है उत्तर प्रदेश का आठ सौ है एक हजार से ज्यादा एक हजार से ज्यादा बिल्कुल बिहार का ग्यारह सूचना बंगाल का एक हजार बीस नहीं भाई एक हजार अट्ठाईस है ना याद कर लेना एक हजार से ज्यादा क्या याद करना है एक हजार से ज्यादा जन घनत्व एक हजार से ज्यादा जनघनत्व वाले राज्य कितने हैं तो आपका उत्तर बन जाएगा दो राज्य प्रश्न आ जाएगा राज्य राज्य जो एक हजार से प्लस हैं कितने हैं दो आपसे प्रश्न बनेगा राज्य जो सौ से कम है राज्य जो सौ से कम है सो से कम राज्य कितने हैं तो आपका उत्तर बनेगा सौ से कम राज्य तीन है कौन कौन से हैं अरुणाचल है, है मिजोरम है सिक्किम है सत्रह है बावन है छियासी है हजार से ज्यादा है तो बिहार है पश्चिम बंगाल है बिहार का ग्यारह सौ छह है पश्चिम बंगाल का एक हजार अट्ठाईस है पश्चिम बंगाल का कितना एक हजार ये बलराम भी अपने साथ है बिल्कुल हाँ अब इनको आप नोट कीजिएगा फिर अपन क्या करते हैं ना फिर अपन केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका भी एक बार जनघनत्व है अब वो देख लेते हैं आपको याद रखना है ये ये जो जन घनत्व है ना ये 2011 का है और 2001 में भारत का जनघनत्व तीन था ये बात भी आपको नोट कर लेनी है 2001 में 2001 में भारत का जनघनत्व तीन सौ था अब तीन है तो यहां आप ये नोट कर सकते हैं आइए राज्यों की संख्या आपको ध्यान रखनी है अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात आ जाएगी तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको एक ही लाइन याद करनी है डीसीपी क्या याद करना है डीसीपी आपको याद करना है केंद्र शासित प्रदेशों में क्या याद करना भैया डीसीपी याद करना है डीसीपी है ना डीसीपी दिल्ली चंडीगढ़ पांडिचेरी डीसीपी दिल्ली चंडीगढ़ पांडिचेरी डीसीपी दिल्ली चंडीगढ़ पांडिचेरी बात जब केंद्र शासित प्रदेशों की आ जाएगी केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रख लीजिएगा मैं कह रहा हूं केंद्र शासित प्रदेशों में आपको एक ही तो लाइन याद करवा रहा हूं क्या करवा रहा हूं आपको डीसीपी याद करना है आपको डीसीपी याद करना है दिल्ली दिल्ली के बाद में आपको याद करना है चंडीगढ़ चंडीगढ़ डीसीपी डीसीपी दिल्ली चंडीगढ़ पांडिचेरी दिल्ली चंडीगढ़ पांडिचेरी आपको याद कर लेना है डीसीपी और डीसी सी की बाद में दमन द्वीप और लक्षद्वीप इसके बाद में आपको याद कर लेना है दमन द्वीप और दमन द्वीप के बाद में लक्षद्वीप अब कम कम में भाई साहब याद कर लो सबसे कम कहां का है अंडमान निकोबार का है और अंडमान निकोबार के बाद में याद रख लीजिएगा अंडमान निकोबार के बाद में आपका दादरा नागर हवेली का है अब सुनिएगा मेरी बात फिर यहाँ पे सुनिएगा अंडमान निकोबार का जनघनत्व कितना आता है तो आपका उत्तर बनेगा अंडमान निकोबार का जनघनत्व छियालीस है और दादरा नगर हवेली का सात सौ है बात आती है बात आती है अंडमान निकोबार का छिहत्तर आता है सॉरी छियालीस आता है और दादरा नगर हवेली का सात आता है तो आप बता दीजिएगा फिर कि दिल्ली का कितना है देखिएगा दिल्ली का आता है ग्यारह हजार तीन सौ बीस लेकिन बहुत सारी किताबों में ग्यारह हजार दो सौ भी लिखा हुआ है तो दोनों में से एक आंकड़ा आपको मिल सकता है बाद जब चंडीगढ़ की करते हैं नौ हजार दो सौ अट्ठावन आ जाता है चंडीगढ़ में नौ हजार दो सौ अट्ठावन आ जाता है बाद जब पांडिचेरी की आती है तो आपको दो हजार पांच सौ आ जाता है दो हजार पांच सौ अट्ठानवे पांडिचेरी का आ जाता है बाद जब लक्षद्वीप की आती है द्वीप की इक्कीस सौ इक्यानवे आ जाता है द्वीप में और बात करते हैं लक्षद्वीप की तो यहां दो हजार तेरह जाते हैं अब यहां से एक विशेष प्रश्न क्या बन रहा है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जनघनत्व है, दो हजार से ज्यादा है प्रश्न क्या बन रहा है प्रश्न बन रहा है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जनघनत्व है? का जन घनत्व दो हजार से ज्यादा है आपका उत्तर क्या बन जाएगा पांच है अब एक प्रश्न और बनेगा यहां से राज्य प्लस केंद्र शासित सौ से कम चार हो गए तीन राज्य केंद्र शासित हो गए और अगर इधर बात करते हैं मतलब एक हजार से ज्यादा दो तो राज्य हो गए और प्लस में पांच केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल कितने हो गए सात हो गए एक हजार से ज्यादा जनगणत्व में कितने आ गए सात आ गए याद रख लेना एक हजार से ज्यादा जनगणत्व में कितने सात आज चलें चले आगे चलते आ, ये ये वाले आंकड़े हैं ना इनमें आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग विविधता मिलेगी किसी किताब में सेम नहीं मिलेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है इनमें आपसे कोई आंकड़ा पूछा नहीं जाएगा ये केवल आंकड़ा अपन ने इसलिए लिखा है कि आपको ये याद रहे कि दो हजार से ज्यादा कौन से हैं पांच हैं दो हजार से ज्यादा कितने हैं हाँ मैं कह रहा हूं ना हीरा लाल ने कहा कि सरजी लक्ष्य द्वीप का इक्कीसो उनचास है देखेगा मैं आपको बताऊं ये अभी मैंने क्या कहा आपको आपके पास लूसेंट होगी वहां आपको अलग मिलेगा आप इंटरनेट सर्च मारोगे वहां आपको अलग मिलेगा ना और ये जो आंकड़े हैं मेरे ये बिल्कुल प्रमाणिक पुस्तकों से जिनमें महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक शामिल है जिसमें एस के ऊझा की पुस्तक शामिल है जिसके अंदर पुस्तक शामिल आपका दृष्टि पब्लिकेशन वाली क्विक बुक आती है वो शामिल है तो ये सारे आंकड़े प्रमाणिक है कोई चिंता वाली बात है नहीं है ना आज इसके बाद में अगला देखिएगा हाँ चले आगे इतना लिख लीजिएगा फिर आगे चलते हैं और भी अपन लोग बात करते हैं अब बात आती है एक इसके बाद में लिंगानुपात की बात आती है लिंगानुपात क्या है पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिंगानुपात होता ही क्या है उसके बाद में फिर चर्चा करनी है कि लिंगानुपात कहां ज्यादा है और कहां लिंगानुपात कम है इसके अपन लोग बातचीत करेंगे हाँ जी हाँ लोकेश कह रहे किताब में चंडीगढ़ का नौ हजार दो सौ बावन पढ़ा है पढ़ा तो क्या आपने किताब ले रखी होगी बाकी याद किसी को नहीं रहते मेरे तो खुद के याद नहीं रहते जब पढ़ाते हैं उस टाइम याद करते हैं एक बार जरूरत ही नहीं है ना इनको याद करने की क्यों अपने माथा पोड़ी करो अपने सीधा ये याद कर लो हाँ, राज्यों में आपको चारों का याद होना जरूरी है ये वाले याद नहीं है ना ठीक है किताब है है आपके पास तो आपने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है? आ, ठीक है तो ज्यादा टेंशन नहीं पालनी बस ये वाला ट्रेंड याद रखना सो से कम कितने चार हैं तीन प्लस एक है बात करते हैं राज्य वाले याद करने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से प्रश्न आ सकते हैं ना चले आगे हाँ आंकड़े याद करने की कोई जरूरी नहीं है आंकड़े जहां जहां याद करने की जरूरत होगी वहां वहां मैं आपको बताते हुए चलूंगा ठीक है आज इसके बाद सीधी बात आती है इसके बाद बात आती है लिंगानुपात की मैंने आपसे प्रश्न किया कि लिंगानुपात क्या है आपका उत्तर क्या बनेगा लिंगानुपात जो है ना वो कोई नई चीज नहीं है लिंगानुपात में आपको केवल इतना याद करना है कि लिंगानुपात क्या है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको लिंगानुपात कहते हैं सामान्य प्रश्न क्या है जी प्रति हजार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है इस महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है संख्या को लिंगानुपात कहते हैं आपको याद कर लेना है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं है ना अब इसका सूत्र क्या बनेगा ये बनेगा महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और गुणा में एक हजार आपको याद कर लेना महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या और गुणा में एक हजार ये हो गया जी लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला अब आपसे प्रश्न बन जाए प्रश्न आपसे यूं बन जाए कि भारत में लिंगानुपात कितना भारत में लिंगानुपात कितना है अब यहां याद कर लेना भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है भारत में लिंगानुपात नौ सौ है यानी एक हजार पुरुषों पर एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है ना ये कितनी है नौ सौ भारत का लिंगानुपात कितना है आपको याद रख लेना है भारत का लिंगानुपात नौ है ये तो सामान्य लिंगानुपात हो गया लेकिन अगर आपसे मैं यूं पूछूं चलो सामान्य की चर्चा पहले कर लेते हैं भारत का सामान्य लिंगानुपात क्योंकि ग्रामीण और शहरी भी आएगा लिंगानुपात और भारत का जो सामान्य लिंगानुपात है ये अभी ने चर्चा की नौ है अब इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात और इधर बात करते हैं न्यूनतम अब जरा गौर करना मेरी बात पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है अब आपको भारत का है ना मानचित्र आना चाहिए आराम से आप कर जाओगे सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां है केरल में उसके बाद तमिलनाडु में उसके बाद आंध्र प्रदेश में है कोई दिक्कत नहीं सबसे ज्यादा केरल में केरल के बाद तमिलनाडु उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया जी अपना काम तो मिटा दो फिर तो लिख लो फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं इसमें आप लिख सकते हैं सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है केरल के बाद दूसरे नंबर पर जो लिंगानुपात है वो आता है तमिलनाडु में और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पे जो लिंगानुपात आता है ये आता है आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के बाद चौथे नंबर पे लिंगानुपात आता है मणिपुर में कौन से पुर में मणिपुर बात आती है न्यूनतम लिंगानुपात की न्यूनतम में याद रखना सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में है सर हरियाणा के बाद में कहा आएगा हरियाणा के बाद में जम्मू कश्मीर में हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाद याद रखना आपको कहां आएगा सिक्किम में आएगा और सिक्किम के बाद आपको याद रखना है पंजाब ये हो गया जी सबसे ज्यादा लिंगानुपात ये रलाल प्रति जार में मारो नंबर आसी के बिल्कुल थारो नंबर भी आसी क्यों कोने आऊ हाँ सुनिएगा मैं कह रहा हूं सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ना वो कहां है आपका उत्तर आया केरल में उसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मणिपुर न्यूनतम में हरियाणा जम्मू सिक्किम पंजाब सुनिएगा मेरी बात अब मैं यहां बात कर रहा हूं केरल में है कितना लिंगानुपात एक हजार चौरासी है केरल का लिंगानुपात कितना है एक हजार चौरासी तमिलनाडु की बात करते हैं तो लिंगानुपात नौ सौ छियानवे आंध्र प्रदेश में तीन कम कर दो नौ सौ तिरानवे और तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा नौ बानवे तमिलनाडु में नौ सौ बानवे बात आती हरियाणा में आठ सात नौ बात आती जम्मू में आठ आठ नौ बात आती सिक्किम में आठ नौ जीरो और बात आती पंजाब में आठ नौ पांच ये सर्वाधिक लिंगानुपात हो गए न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है ज्यादा छोड़िए केरल में केरल चाला के अपने राजस्थान में तो नाकू लागे को नहीं कौन लगे तो चाला केरल फेरे है पढ़ लो। पढ़ोगा तो जमकुड़ी आ जाओगी गाणो बाजगो गोल गोल लाडू पत्ता सा सखर पारा जमकुड़ी लया फूटरी सा है ना बात जमकुड़ी फूटरी है जकी पढ़े आओगी केरल में लिंगानुपात एक हजार चौरासी है केरल के बाद बात आती तमिलनाडु के नौ सौ छियानवे आंध्र प्रदेश की बात आती है नौ सौ तिरानवे और मणिपुर की बात आती है तो नौ सो बानवे हरियाणा की बात आती है आठ सात नौ है जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आठ आठ नौ है सिक्किम की बात आती है तो आठ नौ जीरो है और पंजाब की बात आती है तो आठ नौ पांच है पंजाब का लिंगानुपात कितना है आठ सौ पिचानवे है पंजाब का लिंगानुपात कितना आठ सौ पिचानवे याद रहेगा बिल्कुल बहुत बढ़िया हाज अब इसके बाद में अपन ये तो सामान्य लिंगानुपात की चर्चा होगी सामान्य के बाद अपन तीन प्रकार के लिंगानुपात हैं उनको और देखेंगे एक बार आप इनको देख लीजिएगा अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो पांडिचेरी का एक हजार सैंतीस है और दमन द्वीप का छह सौ अठारह है अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान रखना पांडिचेरी का एक हजार से प्लस है पांडिचेरी का है ये एक हजार सैंतीस है और पांडिचेरी के बाद में बात आती है किसकी तो आपका उत्तर आ जाएगा दमन द्वीप की छह सौ अठारह पांडिचेरी के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में जो दमन द्वीप है इसका कितना है इसका छो अठारह छसो अठारह पांडिचेरी का ये हो गया सामान्य लिंगानुपात अब सामान्य लिंगानुपात के बाद में अब अपन बात करने वाले हैं जिस लिंगानुपात की वो लिंगानुपात कौन सा आने वाला है तो भाई साहब याद रखिएगा अब अपन जिस लिंगानुपात की बात करने वाले हैं आ वो रहने वाला है भारत का ग्रामीण लिंगानुपात भारत का शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पे न्यूनतम कहां पे इनके अपन लोग चर्चा करने वाले हैं चालो केरल चाला बहुत बढ़िया बात है चालांगा भाई चालांगा क्यों चालागा चालांगा केरल भी चालांगा ठीक है हाँ जी सुनिएगा अगली बात आती है अगला प्रश्न आता है अपने सामने कि यहां अपन बात करेंगे कि सामान्य लिंगानुपात हो गया अब बात आती है सामान्य लिंगानुपात के बाद में भारत का ग्रामीण लिंगानुपात यहां से मैं चलता हूं भारत का ग्रामीण लिंगानुपात याद रखना है भारत का ग्रामीण लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भारत का ये देखेंगे ग्रामीण लिंगानुपात कितना भाई साहब याद कर लेना भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये है नौ बात करते हैं भारत के शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं भारत के शहरी लिंगानुपात की तो भाई साहब गौर कर लेना मेरी बात पर शहरी लिंगानुपात नौ सो उन्तीस है देखो नौ का आंकड़ा कितना अच्छा चल रहा है और बात कर रहे हैं वापस से अपन बाल लिंगानुपात की यानी जीरो से जो छह वर्ष वाले बच्चे हैं ना उनमें ज्यादा ही हाल खराब है तो बाल लिंगानुपात की चर्चा करते हैं तो अपने पास आ जाता भाई साहब नौ सौ उन्नीस नौ सौ उन्तीस क्या है शहरी लिंगानुपात बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात कितना है नौ सौ उनचास है बाल लिंगानुपात कितना है तो नौ सौ उन्नीस है ठीक बात है सर अब इनमें भाई साहब पूछा क्या ना कि ग्रामीण लिंगानुपात ये सर्वाधिक कहां पे यानी हाईएस्ट कहां है और लो कहां पर है ग्रामीण इसी प्रकार शहरी में हाई कहां है और शहरी में लो कहां है इसी प्रकार बाल लिंगानुपात में हाई कहां है और बाल लिंगानुपात में लो कहा सुनिएगा फिर अपन बात करते हैं यहां पर बात आती है कि ग्रामीण जो लिंगानुपात है ये सबसे ज्यादा केरल में है और बात करते हैं सबसे कम तो ग्रामीण लिंगानुपात भी सबसे कम हरियाणा में ही है बात करते हैं शहरी लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल में है लेकिन सबसे कम की जब बात आती है तो जम्मू में बात आती है बाल लिंगानुपात की सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात अरुणाचल में है और सबसे कम बाल लिंगानुपात कहां पे है आपके अपने हरियाणा में है सबसे कम बाल लिंगानुपात है ना जरा गौर करना मेरी बात पर और मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे लिखना केरल का ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा आप कहेंगे भाई साहब कितना ज्यादा है तो आपको याद रख लेना है केरल का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ये एक हजार अठहत्तर एक हजार अठहत्तर है केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात बात आती है केरल का शहरी लिंगानुपात कितना है ये है एक और बात आती है अरुणाचल का अरुणाचल में आपको याद रखना है शिशु लिंगानुपात नौ सौ बहत्तर अरुणाचल में शिशु लिंगानुपात नौ सौ बहत्तर है कम में हरियाणा अब हरियाणा में कम कितना है हरियाणा का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आठ सौ अस्सी हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात आठ सौ अस्सी बात करते हैं जम्मू का जो शहरी लिंगानुपात है आठ सौ चालीस है ये आठ सौ चालीस है और बात करते हैं भाई साहब हरियाणा का हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात है ना ये आठ सौ चौंतीस ही हरियाणा का बाल लिंगानुपात कितना आठ सौ चौंतीस अब देखो याद करने यहां प्रश्न बनेगा सामान्य सा कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सामान्य लिंगानुपात नौ सौ तिहालीस सबसे ज्यादा कहां पे केरल में सबसे कम कहां पे हरियाणा में उसी प्रकार ग्रामीण लिंगानुपात है ये तो ज्यादा ही रहेगा ये कितना है नौ सौ उनचास सर्वाधिक कहां पे केरल में सबसे कम कहां पे हरियाणा में बात आती है ये हो गया आपका कौन सा ग्रामीण तो शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां केरल में एक हजार इक्यानवे जम्मू में कितना आठ है बाल लिंगानुपात की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश में नौ है और हरियाणा में आठ है आगे बात समझ में आगे बहुत बढ़िया चले आगे चलते हैं <laughs> <laughs> एलाज कराए है, मेरे तो पास ही जमकुड़ी जमकुड़ी पास है तो चुना चुनामुना बढ़िया साधन सुविधा देवा खातर नौकरी जरूरी चाहे कौन चाहे है चुनिया मुनिया पर तो बढ़िया साधन सुविधा खातर नौकरी चाहिए तो बड़ लिखिएगा ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात यहां पे आप एक चीज और लिख सकते हैं कि भारत में जीरो से छ आयु वर्ग की जनसंख्या ये तेरह पॉइंट में उनसठ है आप नोट लगा के लिख लेना भारत में भारत में जीरो से छ आयु वर्ग की जनसंख्या तेरा पॉइंट में उनसठ प्रतिशत है कितने प्रतिशत है तेरह पॉइंट में उनसठ प्रतिशत है। भारत की क्या है ये जीरो से छह आयु वर्ग की आबादी है ये आपको याद रख लेना है और जीरो से छह वर्ग की जो आबादी है तेरह पॉइंट में उनसठ है बहुत बढ़िया है इनमें जो सर्वाधिक संख्या है ना ये यूपी और बिहार में इनमें सर्वाधिक संख्या सर्वाधिक संख्या है यूपी यूपी में यूपी में आबादी भी ज्यादा है लेकिन जीरो से छ का सर्वाधिक जो प्रतिशत है ना आइए कहां पे आइए आपका मेघालय में सर्वाधिक जो प्रतिशत है ये कहां पे है तो आपका उत्तर आ जाएगा ये मेघालय के अंदर है ना सर जी आपने जमकुड़ी फरार है <laughs> कोई बात नहीं हाँ देखिएगा अब जरा गौर करना मेरी बात पर आप अब अपन चर्चा करने वाले हैं जिस मुद्दे की आ वो रहने वाला है मुद्दा साक्षरता का साक्षरता में आपको ज्यादा लंबी चोड़ी कहानियां याद नहीं करनी है चलें क्या आगे हाँ सुनिएगा अब ये होगी लिंगानुपात की बात लिंगानुपात के बाद में अपनी चर्चा होनी है साक्षरता में पहली बात याद रखना साक्षरता में आधार वर्ष साक्षरता में आधार वर्ष आइए पहले पांच वर्ष था पहले कितने वर्ष था पहले पांच वर्ष था लेकिन 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 उन्नीस के बाद उन्नीस के बाद कितने वर्ष हो गया है सात वर्ष कर दिया गया है ये आपको याद रख लेना पहली बात पहले कितने वर्ष था पांच वर्ष था अब कितना कर दिया सात वर्ष कर दिया ठीक बात है अगली फिर बात आती है आपकी कि चलो ठीक है ये बात तो मान ली साक्षरता दर निकालेंगे कैसे साक्षरता दर निकालने का एक ही फॉर्मूला है सात वर्ष से अधिक कुल आबादी भाई सात वर्ष से ज्यादा कुल लोग कितने हैं ये आप निकाल लो और उसके बाद में इसके ऊपर लिख दो सात वर्ष से अधिक साक्षर आबादी सात वर्ष से ज्यादा में साक्षर आबादी कितनी है तो आपका उत्तर बन जाएगा जितनी भी हो और कुल आबादी कितनी हो उसका यो रेशियो निकाल लो प्रतिशत में गुना में सो कर दो हो जाएगा आपकी साक्षरता आ जाएगी ठीक बात अब साक्षरता दर अपनी तीन टाइप की बनती है कुल साक्षरता पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता हाँ सीताराम पूछ रहे सभी की कर सकते हो कौन सी की क्या सभी में काम आने वाली है शॉर्ट एंड स्वीट मैटर दे रखा उसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं है ना सुनिएगा फिर अगली बात आती है साक्षरता में तीन टाइप की साक्षरता बनेगी मैंने कहा साक्षरता में कितने टाइप की तीन एक तो बनेगी कुल साक्षरता कुल साक्षरता एक बनेगा पुरुष साक्षरता और एक बनती है महिला साक्षरता महिला साक्षरता सुनिएगा बनेगा भारत की कुल साक्षरता आपका उत्तर क्या आएगा चौहत्तर पॉइंट में जीरो चार प्रतिशत भारत की कुल साक्षरता है चौहत्तर है, पॉइंट में जीरो चार प्रतिशत भारत की पुरुष साक्षरता तो आपका उत्तर क्या आएगा बयासी पॉइंट में चौदह प्रतिशत और भारत की महिला साक्षरता तो आपका उत्तर आएगा पॉइंट पॉइंट में 64 नहीं। 65 में 64 नहीं नहीं 64 का उल्टा कर दो छियालीस की कुल साक्षरता चौहत्तर पॉइंट जीरो चार भारत की पुरुष साक्षरता बयासी पॉइंट चौदह और भारत की महिला साक्षरता की तेज पैंसठ पॉइंट में छियालीस है काका जी हमारी झमकोड़ी गुस्सा में है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है गुस्सा में तो मनाओ भाई चमकुड़ी थारी तो थे ही मनाओगा दूसरा हाँ तो याद रख लीजिएगा भारत के अंदर आपको याद रखना है कि भारत के अंदर साक्षरता सामान्य चौहत्तर जीरो चार पुरुष साक्षरता बयासी पॉइंट चौदह है और महिला साक्षरता कितनी है तो आपको याद रखना है पैंसठ पॉइंट में छियालीस अब बात आती है शिक्षा के मजे यहां आपको लिख लेना है कुल साक्षरता में याद करना है शिक्षा के मजे किसके मजे याद कीजिएगा शिक्षा ऐसे अलग लिख देता हूं मैं अलग पेज पे भारत की कुल साक्षरता आपसे पूछा जाएगा भारत की कुल साक्षरता ये ज्यादा कहां है कम कहां है तो याद रख लीजिएगा याद आपको रखना है शिक्षा के मजे इसके मजे आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है, कि शिक्षा के मजे गोवा और त्रिपुरा वाले लेते हैं शिक्षा के मजे गोवा व त्रिपुरा वाले लेते हैं शिक्षा के मजे गोवा व त्रिपुरा वाले लेते हैं याद रख लीजिएगा शिक्षा के मजे कौन लेते हैं याद रखना है शिक्षा के मजे गोवा और त्रिपुरा वाले लेते हैं कैसे याद रखना है केरल कैसे के याद रखना है केरल मजे से याद रखना है मिजोरम गोवा से याद रखना है गोवा और त्रिपुरा से तो त्रिपुरा हो ही जाएगा बात आती ये तो हो गया सर्वाधिक में सर न्यूनतम में क्या करें न्यूनतम में कुछ नहीं करना न्यूनतम एक ही बात याद करो कि बीआरपी के पड़े रहोगे तो भाई साहब खराब ही काम है बीआर और बीयर का लगा लो बियर का लगा लो झरना झारखंड बियर कहां मिलती है झारखंड में तो साक्षरता कम है आपको एक ही बात याद कर लेनी है बी से याद रखिएगा बिहार ऐसे याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश कौन सा प्रदेश अरुणाचल से याद रखिएगा राजस्थान और झार से याद रखिएगा झारखंड याद रहेगा कुल साक्षरता ज्यादा कहां केरल में शिक्षा के मजे तो शिक्षा के मजे तो गोवा और त्रिपुरा वाले लेते हैं शिक्षा के मजे कौन लेते हैं गोवा और त्रिपुरा वाले बात करते हैं न्यूनतम में न्यूनतम में याद रखना है बी -र, बी -र है तो झारखंड में है कहां पे झारखंड में बीहर कहां पे भाई बीयर झारखंड में है तो देखिएगा फटाफट से आप इसका सही जो आपका देख रहे हैं ये सर्वाधिक और न्यूनतम के आंकड़े आपके सामने हैं केरल में लगभग चौरानवे प्रतिशत है केरल में चौरानवे प्रतिशत है और मिजोरम में इक्यानवे पॉइंट तेतीस है केरल की चौरानवे याद कर लो बिहार की इकसठ याद कर लो केरल की चौरानवे है केरल की लगभग कितनी है आइए चौरानवे प्रतिशत याद कर लो केरल के अंदर साक्षरता दर कितनी है लगभग चौरानवे और बिहार की बात करते हैं तो लगभग याद कर लीजिएगा ये इकसठ पॉइंट में आठ प्रतिशत है ये कहां की है बिहार की याद रहेगा इतना इकसठ पॉइंट में आठ प्रतिशत की है बिहार की बात आती शासित प्रदेशों में लक्ष्य की ज्यादा है और दादरा नगर हवेली की कम है यहां पे मैं लिख देता हूं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में यहां आप लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता आप याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की सबसे कम दादरा नगर हवेली की सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की एवं सबसे कम दादरा नागर हवेली की है ये बात आपको याद रख लेने ठीक है हाँ जी फटाफट लिखेगा फिर आगे चलते हैं अपन और कुल साक्षरता के बाद में अब बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है ये कहां है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता कहाँ है न्यूनतम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता कहां है ठीक है हाँ जी चलें आगे चलते हैं अब बात आती है पुरुष साक्षरता में तो देखिएगा पुरुष साक्षरता में टॉप पे तो वही है पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां है केरल में मिजोरम में है गोवा त्रिपुरा वही है पुरुष साक्षरता सबसे कम कहां पे यहां आपको याद रखना बिहार बिहार के बाद झारखंड और उसके बाद आंध्र प्रदेश ये हो गया पुरुष साक्षरता बात आती है महिला साक्षरता महिला साक्षरता में आप लिख सकते हैं सर्वाधिक में तो वही आ जाएंगे केरल केरल के बाद मिजोरम मिजोरम के बाद गोवा और सबसे कम में सबसे कम में बिहार बिहार के बाद राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान है भैया बिहार है राजस्थान और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है झारखंड आ जाता है झारखंड पुरुष साक्षरता में होगी गड़बड़ थोड़ी सी यहां अरुणाचल प्रदेश आएगा बिहार अरुणाचल प्रदेश फिर आंध्र प्रदेश पुरुष साक्षरता ज्यादा वही है महिला साक्षरता ज्यादा वही है कुल साक्षरता भी ज्यादा वही है ठीक है, है आज तो ये पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता आप लिख सकते हैं इसके बाद में आपको लिखना है क्या लिखना है हाँ भाई इसके बाद में दो चार में और डाटा लिखवा देता हूं वो आप लिख, लिख लीजिएगा कि भारत में कुल जनसंख्या का एस सी पॉइंट है और एस टी आठ पॉइंट है लिखिएगा भारत में कुल जनसंख्या का एससी आबादी सोलह पॉइंट तिरसठ प्रतिशत है भारत में कुल जनसंख्या का एस टी आबादी ये कितना है आठ पॉइंट में इकसठ प्रतिशत है ठीक है और एस टी की सबसे ज्यादा जनसंख्या तो यूपी में ही है लेकिन प्रतिशत पंजाब में SC जो है अनुसूचित जाति जो है इसका प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है पंजाब में आपको याद रखना है जबकि एस जो है इसकी सर्वाधिक जो जनसंख्या और प्रतिशत है ये आपका पे मिजोरम के अंदर बहुत ज्यादा है लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा है ठीक है एससी सबसे ज्यादा यूपी में प्रतिशत एससी का सबसे ज्यादा कहां तो आपका उत्तर आ जाएगा पंजाब में ठीक है उसके बाद लिखिएगा भारत में कार्यशील जनसंख्या उनचालीस पॉइंट आठ प्रतिशत यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में भारत में कार्यशील जनसंख्या उनचालीस पॉइंट में आठ प्रतिशत है और सबसे ज्यादा जो कार्यशील है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्यशील कहां पे आती है तो आपका उत्तर आएगा हिमाचल प्रदेश में आती है इतना आपको याद रख लेना उसके बाद में आप लिखेंगे भारत में धार्मिक आबादी नोट कर लीजिएगा कि भारत में धार्मिक आबादी का क्रम इस प्रकार है हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख हिंदू मुस्लिम फिर ईसाई फिर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख फिर बौद्ध जैन ंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध और जैन। हिंदू हिंदू मुस्लिम तीसरे नंबर पे ईसाई चौथे नंबर पे सिख सिख हिंदू एक नंबर पे मुस्लिम दूसरे नंबर पे, ईसाई तीसरे नंबर पे सिख चौथे नंबर पे, पे, बौद्ध नंबर और जैन छठे नंबर पर हाँ जी ये आप लिख लीजिएगा उसके बाद और कोई विशेष प्रश्न बच नहीं रहा है ये लगभग मैंने आपको प्रश्न है जनसंख्या से बनने वाले जितने प्रश्न हैं इनके हाँ लोकेश कुमार कह रहा है लिख दो सर पीडीएफ में से नोट्स बनाता हूँ लिख दिया ना ये लिख लो बस हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध और जैन आज की क्लास इतनी है बाकी कल की क्लास में करते हैं बातें है। अपने दो टॉपिक और बच रहे हैं अभी खनिज संसाधन की बात करेंगे अपन और खनिज संसाधन के बाद में अपन लोग चर्चा करेंगे किसकी भारत में परिवहन की ठीक है इन दो टॉपिक के बारे में अपनी और चर्चा होनी है बाकी मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए अलविदा नमस्कार जय हिंद